सबसे बड़ी खबर है, लखनऊ में कारोबारी पर फायरिंग हुई है। कारोबारी कुलदीप मिश्रा को गोली मारी गई है। बदमाशों ने कारोबारी का रुपए से भरा बैग भी लूटा और घटना को अंजाम देकर बदमाश वहां से भागे हैं। घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के पारा इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, कारोबारी पर फायरिंग यहां पर हुई है। लखनऊ में कारोबारी कुलदीप मिश्रा बताए जा रहे हैं, उनको गोली मारी गई। बदमाशों ने कारोबारी का रुपए से भरा हुआ जो बैग था उसको भी लूटा। मेरे साथ ही विवेक भी जुड़ चुके हैं। विवेक, कौन ये कारोबारी है और क्या बताया जा रहा है? देखिए, कुलदीप मिश्रा जो नमस्ते इंडिया एक कंपनी है उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आज कुछ पेमेंट्स लेकर अपने निकले थे और निकल के दूसरे पेमेंट उठाने जा रहे थे। वो अपनी बाइक से थे, तभी पारा इलाका है जो शहर के एकदम बाहरी इलाके में पड़ता है, बाहरी क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर दो बदमाश मोटरसाइकिल से आए और इन पर हमला कर दिया। इनके पास जो एक काले रंग का बैग था उसको छीनने की कोशिश की, झपट्टा मारा, दोनों में कुछ सेकंड के लिए झगड़ा भी हुआ। कुलदीप ने बैग बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने एक जो कंट्री मेड पिस्टल होती है वो निकाल के इनके ऊपर फायर कर दिया। ये हेलमेट पहने थे तो जो फायर है वो इनकी गर्दन के आसपास कहीं गोली लगी है, चूंकि अभी बहुत बुरी कंडीशन है उनकी और अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए ये नहीं एग्जैक्ट पता लग रहा है। कान के नीचे कहीं गोली लगी है और उनको भर्ती कराया गया है, उपचार चल रहा है। बाकी बैग में बता रहे हैं कि 2 से 3 लाख रुपए रखे हुए थे, हालांकि जो बदमाश थे वो 2 से 3 लाख रुपए जो रखे हुए थे। विवेक, आप ये बता रहे हैं कि वो लेकर के बदमाश भागे हैं और हालत नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।